कुक विद लवली में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पालक प्याज के पकौड़े। चलो बनाना शुरू करते हैं। पालक और प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पालक। इसको अच्छी तरह धोकर काट लिया है बारीक बारीक, और इसमें डालेंगे 4 कटी हुई प्याज, लंबा कटी हुई है डाल देंगे, और डालेंगे 2 हरी मिर्ची कटी हुई, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, और डालेंगे आधा चम्मच जीरा, और डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, और डालेंगे 2 पिंच हींग, और डालेंगे इसी के साथ 2 कटोरी बेसन, 1-2 कटोरी। इन सभी को हम मिला लेंगे। इसमें हमें पानी का यूज नहीं करना है। पालक अपना पानी छोड़ेगा, नमक डाला इसलिए। देखिए यहाँ पर अच्छे से पालक बेसन प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए कितना गीला हो चुका है। अब हम तुरंत सेक लेंगे, अगर हम इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो और गीला हो जाएगा, क्योंकि इसमें नमक डला है। देखिए हमने इधर ऑयल गर्म होने रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, ये इसमें थोड़ा सा डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस को मीडियम करेंगे। और इसमें ये डालते आएंगे, देखिए इन सभी को हम सिक जाने देंगे नीचे से, तब पलटेंगे। अब इनको हम पलट देंगे। इनको हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए हमारे पकौड़े पालक के अच्छे से सिक चुके हैं दोनों तरफ, करारे करारे। अब इनको हम बाहर निकालेंगे प्लेट पर। अब इनको हम प्लेट पर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम और सेक लेंगे।
अब इनको हम उसी तरह सेंक लेंगे, ऐसे ही सभी सेक कर तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारे बनकर तैयार हैं पालक प्याज के पकौड़े। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।